नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट, नाम है चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल में हम बात करते हैं राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोगों से और चर्चा करते हैं चुनाव के बारे में और उनके राजनीतिक करियर के बारे में भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, नाम है चंद्र विजय सिंह बेवी राजा। आप सब लोग उनसे परिचित हैं, दो बार विधायक रहे, एक बार सांसद। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। पहला सवाल जो मुरादाबाद के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, राजनीति से दूरी आजकल बहुत हो गई है। दूरी तो नहीं हुई है, समाज सेवा से तो दूरी नहीं है जी, एक्टिव राजनीति से अलबत्ता थोड़ी बहुत दूरी है। उसका कारण विशेष ये है कि मैंने कभी राजनीति को व्यवसाय के रूप में नहीं देखा, राजनीति को धंधा नहीं बनाया, राजनीति को कमाई का माध्यम नहीं बनाया। अब जो व्यक्ति कमाई राजनीति से नहीं करना चाहता है या उसके पास अन्य साधन हैं जिससे वो अपना रोटी रोजगार देखता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। और राजनीति में रहते हुए अपने घर के काम मेरे से नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं आज काफ़ी अरसे से अपने घर के काम देख रहा हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। और राजनीति जो लोग कर रहे हैं सो कर रहे हैं। सर, ये उम्मीद जताई जाती है कि कोई भी बड़ा राजनेता होता है तो उसकी जो विरासत है उसकी आने वाली जनरेशन संभालेगी। वो समाजवाद की खासियत है जी। बात तो करते हैं समाजवाद की, परंतु दिमाग से हैं सामंतवादी जी। वो अपने बेटे भाई भतीजे सबको आगे बढ़ाते हैं। और हमारे ऊपर लाछन ये लगता था कि आप सामंतवादी घराने से हैं जी, पैदाइश ज़रूर भले ही हुई हो, परंतु ना तो मेरे परिवार ने मेरे को किसी ने आगे बढ़ाया है और ना ही मैंने अपने परिवार को किसी भी सदस्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। ना मैंने अपने बेटे को बढ़ाया है, ना मैंने अपनी बेटी को बढ़ाया है। राजनीति का अवसर प्राप्त हुआ, यहाँ की जनता से अपार प्रेम और मोहब्बत मिली, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। सेवा का एक अवसर मेरे को प्राप्त हुआ, एक बार नहीं तीन बार, जैसी भी सेवा हो सकती थी करी, निस्वार्थ करी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को परेशान करा हो या मैंने किसी से कहीं कमाई करी हो या किसी और अन्य राजनीतिक तरीके से कमाई करी हो। सर थोड़ी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, थोड़ी सी बात चुनावों की भी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है यूपी में चुनावी समीकरण क्या रहने वाले हैं, जो आप क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, तो जो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या समीकरण बन सकते हैं? देखिए, समीकरण मेरी समझ से तो स्पष्ट है जी। जो हाल पिछले तीन चार साल से वर्तमान सरकार के अंतर्गत रहा है, मैं समझता हूँ कि आवाम और जनता अमन सुकून से रही है जी। दंगे फिसाद नहीं हुए जी। माफिया वाले सब घर के अंदर हैं, बदमाश घर से निकल नहीं रहे, लैंड ग्रैबिंग वगैरह वगैरह, अफसर बेलगाम नहीं हैं, तो एक सामान्य स्थिति है। और जो समझदार आदमी हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें किस प्रकार की स्थिति चाहिए, सामान्य चाहिए या वैसी चाहिए जैसे पहले थी, ये तो सब जनता के ऊपर है। सर, इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी का समाजवादी पार्टी से है, आपको क्या लगता है कहीं फाइट दे पाएगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें लेके आ रहे हो। देखिए, दावा करने का तो अधिकार सबको है, इसमें दो राय नहीं है जी। परंतु जब पहले ये सरकार थी तो माफ़ करें, जनता क्या प्रसन्न थी? और यदि प्रसन्न होती तो फिर उस सरकार को क्यों हटा दिया, ये तो जनता के सोचने की बात है जी। और इस सरकार में मैं समझता हूँ कि कोई जो हमारे लीडरान हैं जो भी हैं वर्तमान में, वो ना तो भाई भतीजावाद को आगे बढ़ोतरी दे रहे हैं, ना ही उनके कहीं महल बन रहे हैं, ना ही उनका कहीं हिस्सेदारी है हर चीज़ में। साफ सुथरी सरकार चल रही है मेरी समझ से। सर, यूपी की राजनीति से अब आ जाते हैं मुरादाबाद की राजनीति पर। पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत अच्छी लहर थी, 350 के करीब सीटें जीती उन्होंने। उस दौरान भी मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में
सिर्फ 2 सीटें जीत पाई बीजेपी, वो भी बहुत कम मार्जिन से। आपको क्या लगता है, इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? देखिए, बदलाव तो ये है कि जो नई पीढ़ी है उसे चाहिए विकास जी, नई पीढ़ी को चाहिए अच्छी बिजली व्यवस्था, नई पीढ़ी को चाहिए ये कि उनके जो नेतागण हैं वो स्वच्छ छवि के हों, पैसे ना कमाएं और जनता पीड़ित ना हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, नई पीढ़ी काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है, जात पात बिरादरी से उठकर इस बार वोट देगी, मेरी उम्मीद है। सर, आप बिलारी से काफ़ी जुड़ाव है आपका, बिलारी से मुख्यतः आप आते हैं। बिलारी में पिछली काफ़ी समय से जो बिलारी विधानसभा सीट है वो सपा के खाते में जा रही है, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा है इसका कि बीजेपी को वहाँ से सफलता नहीं मिल पा रही है पिछले काफ़ी समय से? अब इसका तो देखिए जनता जवाब देगी, मतदाता जवाब देगा। मैं अकेले किसी क्षेत्र का या किसी वर्ग का ठेकेदारी ना पहले करता था ना मैं आज दावा करता हूँ करने की जी। ये बिलारी का दुर्भाग्य रहा है कि वो सही कैंडिडेट को काफ़ी दिनों से नहीं चुन पा रही, जिन्हें चुन रही है उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा है जी। और मैं समझता हूँ इस बार ये जो पुरानी चूक है ये नहीं होगी और सही तरीके से मतदान होगा और सही व्यक्ति को और सही पार्टी को। सर, राजनीति की बात बहुत हो गई, आप कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी लोगों से जुड़े हुए हैं, तो लोग जानना चाहते हैं किस तरह से जुड़े हुए हैं? अब साहब, सामाजिक रूप से तो सदियों से, कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र से जुड़ाव है। इसके अतिरिक्त 2 स्कूलों का संचालन करता हूँ, उस माध्यम से भी लोगों से संपर्क रहता है। खेती है छोटी मोटी, आना जाना रहता है, लोगों से संपर्क रहता है, मुलाकातें रहती हैं। और जिस ढंग से भी मैं समझता हूँ कि लोगों के काम आ सकता हूँ, मैं आने का प्रयास करता हूँ। इसमें आवश्यक नहीं है कि आप एक्टिव राजनीति में रहें या आप चुनाव ही लड़ें, इस कार्य के लिए ऐसे भी लोगों से जुड़ाव रहता है और सदियों से रहा है। बहुत सी बार मैंने चुनाव लड़ने से इनकार भी करा है, टिकट भी लौटाए हैं। अब कोई आता है किसी पार्टी का बड़ा नेता आपके पास कि आप चुनाव लड़िए? अब सभी बड़े हैं साहब, मेरे लिए तो सभी बड़े हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मैं बड़ा नेता मानता हूँ। आप मुरादाबाद के एक पुराने राजनीतिक घराने से हैं और अचानक से इस तरह से राजनीतिक दूरियां बनाना थोड़ा लोगों को अजीब लगता है। अब साहब, अब कहने को तो 1890 में हमारे पुरख यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे, मेरे दादा काउंसिल ऑफ स्टेट के रहे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सन 1925 में रहे, मेरी माँ 5 बार या 6 बार मंत्री रहीं यूपी में, मेरी छोटी बहन रहीं, मैं स्वयं रहा। तो हम लोगों ने बीच बीच में हमेशा औरों को मौका देने का प्रयास करा है, कोई ठेकेदारी हम लोगों ने नहीं जताई कि हमारा ही कोई हक है या हमारा हकूक है। औरों को भी वक्त मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।